hello everyone i hope i am audible let me check get 50% के सो इट्स वर्किंग नाउ आई हैव टू स्टार्ट सो अन एकेडमी पे किसी भी चीज में इनरोलमेंट लेना है देन यू कैन यूज माई रेफरल कोड विवेक गुप्ता टेन देर आर समाउंसमेंट गेट ट्वेंटी ट्वेंटी टू एनाउंसिस ट्वेल्थ फेबर को होने वाला है फॉर सिविल सो ट एल बी प्रेजेंट इन दैट एज ए टीम सो जरूर अटेंड कीजिएगा ऑफर अलर्ट सो अभी ऑफर चल रहा है जिसको सब्सक्रिप्शन लेना है यू गेट दिस मच डिस्काउंट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वर्बल एबिलिटी न्यू मेडिकल एबिलिटी इन सब में के लिए भी सपोर्ट स्टार्ट हो गया है अन अकेडमी पे तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं गेट एंड ई ए सी कॉम्बैट थर्टीन so, फरवरी को होगा इसमें जरूर अपियर होइए और स्कॉलरशिप का एडवांटेज लीजिए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सो इन बैचेस में एडमिशन लीजिए प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए आप लोग अपना नाउ अब हम लोग आ जाते हैं आर्चेस पे ठीक है सो आई एम प्लानिंग टू कंप्लीट विद इन 3 डेज 10th तक हम कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि 11 12 और 13 हम यहाँ पे नहीं अवेलेबल रहेंगे बिकॉज़ आई एम गोइंग टू बेंगलोर तो उस बीच में नहीं रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम चाह रहे हैं कि कंप्लीट हो जाए आप लोगों का सो so चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सो नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन द आर्च रेजिस्ट लोड बाय डेवलपिंग आर्च पे जब ऊपर से लोड हम लोग अप्लाई करते हैं तो अंदर से रेजिस्टेंस मिलता है कौन कौन सा रेजिस्टेंस आर्च में मिलता है तीनों रेजिस्टेंस मिलता है एक्सियल फोर्स मिलता है बेंडिंग मोमेंट मिलता है और शेयर फोर्स मिलता है अगर वो लीनियर आर्च होगा तो बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स जीरो हो जाता है के है केवल एक्सियल फोर्स होता बट इन जनरल आर्च में तीनों चीजें होती हैं बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स काफी कम होता है लेकिन होता है सो दैट्स वाई आंसर इज दैट्स आंसर इज एक्सियल थ्रस्ट एंड बेंडिंग मोमेंट आया समझ में ठीक है द इक्वेशन ऑफ ए थ्री हिंसड पैराबोलिक आर्च विद ऑरिजिन एट इट्स लेफ्ट सपोर्ट ओरिजिन कहां है लेफ्ट सपोर्ट पे है सो दिस इज द ऑरिजिन ये एक्स और ये वाई ठीक है सॉरी <laughs> और यहां पर यह हिंज है स्पैन ऑफ दर्च इज फोर्टी एट मीटर द आर्च इज कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ ट्वेंटी पर मीटर ओवर हाफ ऑफ दाफैन पे ही लोडिंग है आपको निकालना क्या है हॉर्जोनटल रिएक्शन एट सपोर्ट निकालना है सो वी हैव टू कैल्कुलेट हॉर्जोनटल रिएक्शन एट सपोर्ट कैसे कैलकुलेट होगा बहुत सिंपल है सबसे पहले आप क्या कीजिए वर्टिकल रिएक्शन निकालिए सो यहाँ का वर्टिकल रिएक्शन निकाल लेते हैं दोनों रहेगा। so, दोनों रहेगा। सबसे पहले हम लोगों को जरूरत, पड़ेगा का। अभी नहीं जरूरत पड़ेगा ना अभी नहीं, नहीं जरूरत पड़ेगा। पहले वर्टिकल रिएक्शन निकालते हैं सो दिस इज एंड दिस इज बी सिग्मा एम ए इक्वल टू जीरोगा ट्वेंटी इन टू टोटल फोर्टी एट मीटर है तो ट्वेंटी फोर मीटर हाफ स्पैन इंटू ट्वेंटी फोर बाई टू ठीक है देन माइनस वी इंटू फोर्टी एट सो दिस विल गिव यू वी वी का वैल्यू कितना आएगा सो वी का वैल्यू आएगा वन ट्वेंटी किलोमीटर नाउ अब हम लोगों को ये हाइट निकालना है हाइट कैसे निकलेगा सो एक्स इक्वल टू ट्वेंटी फोर मीटर पे हमको वाई निकालना है तो एक्स इक्वल टू ट्वेंटी फोर मीटर पे वाई तो y का वैल्यू h हो गया x का वैल्यू 24 मीटर मिड स्पैन पे हाइट निकालना है ना ठीक है so, सो x का वैल्यू रख देते हैं 24 ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर 12 मीटर. तो so, h का वैल्यू 12 मीटर आ गया जब h 12 मीटर आ गया तो मोमेंट अबाउट c इक्वल टू जीरो कर देते हैं राइट हैंड साइड से सो so, कहा लिख दें जगह खत्म हो गया कलर चेंज सो मोमेंट अबाउट सी इक्वल टू जीरो किधर से राइट हैंड साइड से ठीक है सो राइट हैंड साइड से ये वी मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फोर दैट इज एंटी क्लॉक वाइज सो माइनस वन ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फोर प्लस एच हॉर्जोंटल इक्वल टू जीरो सो दिस विल गिव यू एच का वैल्यू तो so, कितना हो जाएगा टू हंड्रेड फोर्टी किलो न्यूटन सो दट वाई इज द करेक्ट आंसर ठीक है सो टू फोर्टी किलो न्यूटन इज द करेक्ट आंसर आई होप सबको समझ में आ गया होगा आया सबको क्लियर हुआ ठीक है नाउ फॉर ए थ्री हिंस पैराबोलिक आर्च स्पैन एल राइज एच कैरियंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ कवरिंग द एंटायर स्पैन पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग हॉर्जोंटल थर्स डब्ल्यू एल स्क्वायर वाई एट एच उस पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ठीक है शीय फोर्स विल बी जीरो थ्रू आउट बेंडिंग मूवमेंट विल बी जीरो थ्रू आउट पैराबोलिक आर्च है और उसपे यूडीएल लोडिंग होता है तो वो लीनियर आर्च हो जाता है

द हॉर्जोंटल थ्रस्ट एच इज यहां पे हॉर्जोंटल थ्रस्ट एच है ठीक है ये दिखाया हुआ नहीं है यहाँ पे हॉर्जोंटल थ्रस्ट हम लोगों को निकालना है कैसे निकलेगा सो so, थ्रस्ट के लिए पहले आपको वर्टिकल निकालना पड़ेगा सो so, यहां मान लीजिए वी बी क्लियर दिस पॉइंट इज ए दिस पॉइंट इज बी सो समेशन एम ए इक्वल टू अबाउट मोमेंट जीरो कर दीजिए क्या हो जाएगा फिफ्टी टन इंटू टेन इंटू टेन बाई टू प्लस 50 इंटू फिफ्टीन पंद्रह हो जाएगा ये टेन है और ये फाइव हो जाएगा माइनस टू जीरो मोमेंट अबाउट सी इक्वल टू जीरो का वैल्यू कितना आएगा हम बता देते हैं क्वेश्चन फोर्थ है ना का वैल्यू आएगा टू 162.5 फाइव किलोमीटर मोवमेंट अबाउट सी इक्वल टू जीरो सी के अबाउट मोमेंट जीरो कीजिए क्या हो जाएगा सो फिफ्टी इंटू फाइव होगा क्लॉकवाइज 15 फिफ्टी इंटू फाइव क्लॉकवाइज माइनस या फिर प्लस कर देते हैं एच इन टू दैट इज फाइव माइनस वी बी इंटू टेन टू जीरो का वैल्यू हम लोगों को पता है ना सो वी बी हम लोगों को ऑलरेडी पता है सो so, अब हम लोगों को क्या निकालना है एच वी का वैल्यू वन सिक्सटी टू पॉइंट फाइव पुट कर दीजिए तो एच का वैल्यू आ जाएगा आई थिंक सेवेंटी फाइव आता है, 275 आता है. टू सेवेंटी फाइव टन सो दी इज द करेक्ट आंसर आया समझ में सबको क्लियर डू थ्री वीजेज इन आर्च मेक इट जो थर्ड हिंज होता है आर्च में वो उसको क्या बना देता है स्टैटिकली डिटर्मिनेट सो स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर थर्ड हिंज के कारण स्टैटिकली डिटर्मिनेट हो जाता है सो दैट्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन

नाउ ये क्वेश्चन व्हाट इज़ द द फोर्स एट सेक्शन इन थ्री हिंज्ड फ्रेम सो ये ऐसा एक है और इसमें पे राइट है तो देखिए लोड के लेफ्ट दिखाया हुआ है या एक्स सो so, लोड के लेफ्ट दिखाया हुआ है कैसे बनाइएगा बहुत सिंपल है आपको ये मेंबर लेना होगा यहां पे दो रिएक्शन डेवलप हो ठीक है क्लियर यहां पे दो रिएक्शन डेवलप होगा तो यहाँ का वर्टिकल रिएक्शन कैसे निकलेगा सो so, बहुत सिंपल है पी यहां है तो पी इंटू बी बाई एल हो जाता है या नहीं पी इंटू बी बाई एल हो जाता है तो ये थ्री पी बाई फोर हो जाएगा और ये पी बाई फोर हो जाएगा होगा ना सो दिस वन इज थ्री पी बाई फोर एंड दिस वन इज पी बाई फोर और ये हॉर्जोंटल थ्रस्ट और ये हॉर्जोंटल थ्रस्ट थ्री पी वाई फोर पी वाई फोर ये हॉर्जोटल थ्रस्ट और ये हॉर्जोटल थ्रस्ट यहां पे हम लोगों को क्या निकालना है ये शियर फोर्स फोर्स और एक्सियल ठीक है सो so, ये हॉर्जोंटल फोर्स कैसे निकलेगा तो बी पे मोमेंट जीरो कर देते हैं सो मोमेंट एट बी इक्वल टू जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड सो राइट हैंड साइड से जीरो कीजिए तो पी वाई फोर इंटू फोर मीटर और एच इंटू फोर मीटर क्लियर so 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 P P P P 4 4 4 4 4 4 h h to this 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 will give you one so, so, one is अगर ऐसा है तो यहाँ पे ये value भी क्या होगा P by 4 होगा और ये वैल्यू क्या होगा थ्री पी बाई फोर आपको चाहिए शेयर फोर्स चाहिए ना तो आपको चाहिए शेयर फोर्स ये एंगल कितना है फोर्टी फाइव डिग्री शेयर फोर्स शेयर फोर्स किस डायरेक्शन में हम लोग लेंगे ऐसे इस डायरेक्शन के शेयर फोर्स को पॉजिटिव बोलेंगे तो P बाई फोर का एक कंपोनेंट P बाई फोर सो so, सारा एंगल फोर्टी फाइव डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री है तो हर बार कॉस थीटा साइन थीटा कुछ भी लिख दीजिए सो P बाई फोर इंटू इसका कंपोनेंट ऊपर होगा लेकिन ये वर्टिकल का कंपोनेंट क्या होगा नीचे होगा क्लियर सो माइनस थ्री पी बाई फोर कॉस फोर्टी फाइव कॉस फोर्टी फाइव लिखिए मैटर, दोनों का वैल्यू सेम है सो so, इसको करेंगे पी बाई फोर इंटू वन बाई रूट टू माइनस थ्री पी बाई फोर इंटू वन बाई रूट टू सो क्या हो जाएगा फोर रूट टू और यहाँ क्या हो जाएगा वन पी माइनस थ्री पी तो कितना हो जाएगा माइनस टू पी क्लियर तो हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव पी बाई रूट टू माइनस का मतलब ये शेयर फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया लेकिन आपको मैग्नीट्यूड से केवल मतलब है डायरेक्शन से मतलब नहीं है सो दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर आया समझ में सबको क्लियर सो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था इजी क्वेश्चन था बस ध्यान देना है ध्यान से ये सब बनाइएगा सब बन जाएगा क्वेश्चन सेमेट्रिकल पैराबोलिक थ्रीज आर्च ऑफ ए स्पेन एट मीटर एंड सेंटर फोर मीटर सब आसान क्वेश्चन है ठीक है हमसे बेकार आप लोग बनवा रहे हैं सेमेट्रिकल थ्री हिंस पैराबोलिक आर्च ठीक है

और थ्री मीटर ठीक है सो यहां से यहां टू मीटर यहां से यहां थ्री मीटर इज इट क्लियर नाउ आपको क्या निकालना है इसमें वट इज द बेंडिंग मोमेंट एट पी पी पे ही बेंडिंग मोमेंट यहां बेंडिंग यह मोमेंट तो निकालने के लिए आपको वर्टिकल और हॉर्जोनटल रिएक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे कैलकुलेट होगा बहुत सिंपल है देखिए सबसे पहले यहां वर्टिकल रिएक्शन वर्टिकल रिएक्शन क्या होता है पी इन टू बी बाई एल होता है क्लियर सो दो मीटर ये है और टोटल एट मीटर है क्लियर सो टेन इंटू सिक्स बाई एट पी इंटू बी बाई एल तो वर्टिकल तो निकल गया अब हॉर्जोंटल रिएक्शन निकालना है क्लियर यहां पे क्या हो जाएगा टेन इंटू टू बाई एट तो यहां जो हॉर्जोंटल रिएक्शन होगा और यहां जो हॉर्जोंटल रिएक्शन होगा इक्वल होगा होगा ना So, किसी भी साइड का हॉर्जोटल रिएक्शन निकाल लीजिए तो इस साइड से निकालते हैं सो मोमेंट एट सी इक्वल टू जीरो मोमेंट एट सी इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा एच इन फोर क्लॉकवाइज एच इंटू फोर माइनस दो से चार बार में टू पॉइंट फाइव इंटू फोर इक्वल टू जीरो सो इक्वल टू टू पॉइंट फाइव किलो न्यूट्रन अब जब h आपका 2.5 किलो न्यूटन हो गया h 2.5 किलो न्यूटन हो गया देन हम लोगों को p पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है कैसे निकलेगा सो बेंडिंग मोमेंट एट p सो so बहुत सिंपल है आपका इस रिएक्शन के कारण दो मीटर तो ये रिएक्शन कितना हो जाएगा 7.5 7.5 2 इस लोड के कारण लोड डिस्टेंस h multiplied by थ्री सो एच एच कितना आया है टू पॉइंट फाइव इंटू थ्री सो इससे कितना आंसर आ गया सेवन पॉइंट फाइव so, तो सेवन पॉइंट फाइव किलोन्यूटर मीटर इज द करेक्ट आंसर आया सबको समझ में क्लियर हुआ ठीक है नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री सेमी सर्कुलर सिमेट्रिकली थ्री हिंज आर्चेज हैव रेडियस अलग अलग रेडियस है तो मान लीजिए सेमी सर्कुलर है और तीन अलग अलग है तो ये रेडियस है ये रेडियस है ये रेडियस है क्लियर यहां पे लोड डब्ल्यू है तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का क्या रेशियो होगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ हैं। क्लियर सबसे पहले ये बताइए ये कितना हो जाएगा? होगा या नहीं वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल हम लोगों को निकालना है सो मोमेंट अबाउट सी इक्वल टू जीरो कर देते हैं क्लियर सो माइनस डब्ल्यू बाई टू इंटू आर एंटीक्लॉकवाइज और प्लस एच इन आर Equal to zero. so this will give you h equal to minus h equal to w by two. So h का value कितना हो गया w by two. जब horizontal thrust w जब हो गया, इट means कि वो रेडियस से इंडिपेंडेंट है इसमें रेडियस कहीं आया ही नहीं तो कोई सा भी रेडियस हो हॉर्जोंटल थ्रस्ट हमेशा w बाई टू ही एक्ट करेगा और जब w बाई टू एक्ट करेगा तो तीनों का डब्ल्यू बाई टू डब्ल्यू वाई टू डब्ल्यू बाई टू तो इसका मतलब क्या है रेशियो क्या हो जाएगा वन इज टू वन इज टू वन आया समझ में सो वन इज टू वन इज टू वन टेम्परेचर राइज कॉजेज इंक्रीज इन द दॉर्जोंटल थ्रस्ट एट सपोर्ट ऑफ थ्री थ्रीज आर्च गलत ठीक है टेम्परेचर राइज करने से कोई हॉर्जोंटल थ्रस्ट डेवलप नहीं होता कोई हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डेवलप नहीं होता ठीक है सो टेम्परेचर so, आप राइज कीजिएगा ये ऊपर चला जाएगा कोई हॉर्जोंटल रिएक्शन नहीं आएगा ये भी जीरो और ये भी जीरो थ्री हिंड आर्च में कोई हॉर्जोंटल रिएक्शन नहीं आता है अगर लोडिंग नहीं है तो केवल टेम्परेचर चेंज करने से कुछ नहीं होगा टेम्परेचर कॉज ऑल्टरेशन इन द लेंथ ऑफ आर्च तो ये क्या हो गया गलत हो गया और ये क्या हो गया सही सो दैट्स डी इज द करेक्ट आंसर इसलिए डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा पैराबोलिक आर्च ऑफ स्पैन स्पैंड ट्वेल्व मीटर एंड राइज फोर मीटर द इंफ्लुएंस लाइन ऑर्डिनेट ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट द लोकेशन ठीक है लोकेशन so, पे बेंडिंग मोमेंट का इन्फ्लुएंस लाइन क्या इन्फ्लुएंस लाइन का ऑर्डिनेट क्या होगा सो so, बहुत सिंपल है देखिए ये आर्च है ये थ्री हिंज आर्च है इक्वल टू थ्री मीटर पे ठीक है सो एक्स इक्वल टू थ्री मीटर पे आपका इन्फ्लुएंस लाइन तो यहां पे यूनिट लोड लगा दीजिए इसका आईएलडी क्या होगा तो आईएलडी कुछ ऐसा होता है ये होता है और ये होता है आपका रिजल्टेंट आईएलडी ऊपर वाला है सो दिस वन इज पॉजिटिव दिस वन इज नेगेटिव आपको निकालना कितना वैल्यू है ये वैल्यू निकालना ये वैल्यू निकालना है कैसे निकलेगा तो हम लोग ऐसा करें ये टोटल वैल्यू माइनस ये वैल्यू ले लें टोटल वैल्यू टोटल वैल्यू यहां से यहां तक उसमें से ये वैल्यू को माइनस कर दे तो आ जाएगा ना आंसर क्लियर सो टोटल वैल्यू माइनस ये वैल्यू तो होता है और इस लाइन का इक्वेशन होता है ये हॉर्जोंटल रिएक्शन का लाइन है इसका इक्वेशन होता है ये लाइन है h इन टू वाई हॉर्जोंटल थ्रस्ट इंटू वाई और एच का एक्सप्रेशन होता है एक्स बाई टू एच इंटू वाई ठीक है तो बस अब हम लोगों को इसका कैलकुलेशन करना है देखिए कैलकुलेशन कैसे करें जगह नहीं बचा है चलिए करते हैं so, ये ऑर्डिनेट को मान लीजिए हम लोग वाई बार नाम दिए तो हम लोग लिख सकते हैं Y बार is equal to Z into L minus Z वाई एल सिंपली सपोबेट का यही ऑर्डिनेट होता है तो उससे हम लोग माइनस करेंगे ये वाला ऑर्डिनेट तो पहले ये ऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, जेड कितना है हम लोगों का तीन मीटर Z कितना है तीन मीटर उसी तीन मीटर पे हम लोग निकाल रहे हैं तो Z का वैल्यू भी तीन मीटर है क्योंकि उसी को हम लोग एक्स भी तो Z का वैल्यू तीन मीटर थ्री इन टू एल एल कितना है इसमें ट्वेल्व मीटर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई ठीक है देन इतना माइनस ये हो जाएगा तो x बाई टू एच एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा z दैट इज थ्री मीटर बाई टू एच एच का वैल्यू कितना 4 meter. h का वैल्यू कितना है 4 meter. ये क्वेश्चन बहुत लोगों से नहीं बनता है ठीक है इसलिए अच्छे से देख लीजिए फोर मीटर ठीक है सो so, x बाई टू एच फोर मीटर इंटू वाई तो देखिए यहां जो हॉर्जोंटल थ्रस्ट होता है वो मल्टीप्लाई होता है ये y से तो वाई कैसे निकलेगा सो so वाई का फॉर्मूला होता है फोर एच अपॉन एल होता है ना फोर एच अपॉन एल x इंटू एल माइनस एक्स तो बस उसका हम लोग सारा वैल्यू पुट कर देते हैं आ जाएगा कि वहां का वाई कितना होगा फोर इंटू एच कितना है दैट इज फोर एल स्क्वायर दट इज ट्वेल्व का स्क्वायर इंटू एक्स कितने एक्स पे दैट इज

ठीक है चले आगे ना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बहुत लोगों से नहीं बनता है ठीक है अब पैराबोलिक आज सिमेट्रिकल विद हिंजेज एट सेंटर एंड एंड्स सेंटर और एंड्स पे हिंजेस है ठीक है कैरी इज पॉइंट लोड पी एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट द आर्च हैज ए स्पैन ऑफ ट्वेंटी मीटर एंड राइज फाइव मीटर ट्वेंटी मीटर एंड फाइव मीटर ठीक है वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द लेफ्ट हिंज रिएक्शन रियक्शन इनक्लाइंडलोप ऑफ टू वर्टिकल एंड वन हॉर्जोटल देखिए इसका मीनिंग क्या है क्वेश्चन का यहां वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा और हॉर्जोंटल रिएक्शन भी डेवलप तो हॉर्जोंटल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होगा कैपिटल आर ठीक है तो आर का कह रहा है कि हॉर्जोंटल से स्लो क्या होना चाहिए टू वर्टिकल वन हॉर्जोंटल तो हम लोग लिख सकते हैं कि वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉर्जोंटल रिएक्शन इज इक्वल टू टू बाई वन तो आपको कुछ नहीं करना है बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है सिंपल सा क्या सॉल्यूशन है पी को एक्स पे रखिए पी को एक्स पे रखिए अब ये आपका आर्च है यहाँ पे हॉर्जोंटल रिएक्शन निकालिए यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन निकालिए तो वर्टिकल बाय हॉर्जोंटल टू इज टू वन दिया हुआ है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है तो वर्टिकल रिएक्शन एक्स के टर्म में आएगा हॉर्जोंटल रिएक्शन एक्स के टर्म में आएगा तो उन दोनों का रेशियो इक्वल टू टू बाई वन तो x का वैल्यू आ जाएगा यानी सो दैट इज दैट विल गिव यू x x का वैल्यू आता है फोर मीटर आया समझ में आई होप सबसे बन जाएगा बन जाएगा ना नाउ अ सिमेट्रिकल सर्कुलर आर्च ऑफ ए स्पैंड ट्वेंटी फाइव मीटर सेंट्रल राइज ऑफ फाइव मीटर इज एट क्राउन एंड स्प्रिंग इज कैरीड पॉइंट लोड ये भी क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हम लोग लास्ट क्वेश्चन की है ठीक है ऐसा है इट कैरीज अ पॉइंट लोड बिटवीन द लेफ्ट हिंज कहाँ पे है लोड इट कैरीज अ पॉइंट लोड ऑन द आर्च इन द स्पैन बिटवीन द लेफ्ट हिंज एंड सेंट्रल हिंज इफ द इंक्लिनेशन बिटवीन तो इसका मतलब बीच में एल वाई फोल्ड पे बोल रहा है ठीक है लोड कितना है लोड नहीं दिया हुआ है ठीक है सो so ये पी लोड हो गया हाइट कितना हुआ दैट इज 5 मीटर स्पैन कितना हुआ ट्वेंटी फाइव मीटर ट्वेल्व पॉइंट फाइव एंड ट्वेल्व पॉइंट फाइव ठीक है नाउ आपका कह रहा है कि कुछ नहीं करना है वर्टिकल निकालिए और हॉर्जोंटल निकालिए तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया रिजल्टेंट का क्या निकालना है थीटा मेजर फ्रॉम हॉर्जोंटल हॉर्जोंटल से थीटा को मेजर कर रहा है ठीक है दैट इज थीटा तो आपको कुछ नहीं करना है tan थीटा इज इक्वल टू v by h निकालना है, बस यही करना है ठीक है और इसको लोड को प्लेस कहाँ करना है l 4 पे l 4 पे करना है ठीक है सो so 25 का 4 कितना हो गया 6.25 ठीक है तो 6.25 पे उसको प्लेस कीजिए वर्टिकल रिएक्शन निकालिए हॉर्जोंटल रिएक्शन निकालिए दोनों का रेशियो निकालिएगा तो अपने आप टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा बी सो जीरो पॉइंट फोर इसका आंसर होगा चलिए आगे तो तक हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन

ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है थ्री हिंस सर्कुलर आर्च एसीबी इज फॉर्मड बाय टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स एसी एंड बीसी ऑफ रेडिआई टू आर एंड आर रेस्पेक्टिवली विद सी एज क्राउन एज शोन इन द फिगर कंसीडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द रिएक्टिव फोर्स डेवलप्ड एट ए एंड बी ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड एट क्राउन तो कंसंट्रेटेड लोड यहां पे अप्लाई कर दिया ठीक है अब हम लोगों को सारा रिएक्शन निकालना उसके क्रॉसपॉन्डिंग ये सब ऑप्शन दिया हुआ है तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है बहुत सिंपल है आपके पास चार इक्वेशन है और चार अनून है यहाँ पे हिंज है ना आपके पास चार इक्वेशन है और चार अनून है कैलकुलेट हो जाएगा यानी सिंपल है सिग्मा एफ एक्स जीरो कीजिए कीजिए ठीक है लाइए लिख ही देते हैं बना लीजिएगा इतना तो आप लोग तो बना ही सकते सिग्मा मोवमेंट ए इक्वल टू जीरो कीजिए और मोमेंट अबाउट सी इक्वल टू जीरो कर दीजिए राइट हैंड साइड जब ये चारों कीजिएगा ना तो आपका ये आ जाएगा और ये आ जाएगा कि वी इक्वल टू वी वी इक्वल टू डब्ल्यू वाई टू और एच इक्वल टू एच इक्वल टू डब्ल्यू वाई टू दोनों डब्ल्यू वाई टू डब्ल्यू वाई टू हो गया जब दोनों आपका डब्ल्यू वाई टू डब्लू वाई टू आ गया तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिएक्शन एट ए इज इंक्लाइन एट फोर्टीव डिग्री ऑब्वियस सी बात है ये दोनों रिएक्शन अगर इक्वल होगा तो ये रिजल्टेंट भी क्या होगा 45 डिग्री पे होगा या नहीं सो दैट विल एक्ट एज अ 45 डिग्री तो 1 2 एंड 4 आर करेक्ट आया समझ में 1 2 एंड 4 करेक्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बनता है मेथड ऑफ सिलेक्शन से बनता है और कुछ क्वेश्चन मेथड ऑफ रिजेक्शन से बनता है मेथड ऑफ सिलेक्शन का क्या मतलब होता है मेथड ऑफ रिजेक्शन का क्या मतलब होता है मेथड ऑफ सिलेक्शन का मतलब होता है कि आप क्वेश्चन पढ़े क्वेश्चन को सॉल्व किए जो आंसर आया ऑप्शन में देखें जिससे मैच किया उसको टिक किए दिस इज मेथड ऑफ सिलेक्शन मेथड ऑफ रिजेक्शन का क्या मतलब है मेथड ऑफ रिजेक्शन का मतलब है आप क्वेश्चन पढ़ें आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है आप क्वेश्चन पढ़ें आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है जब आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप क्या कीजिएगा ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन ऑप्शन देखें option देखे आपको पता चल गया कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा तो जो so सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है कैसा है, है. तो स्ट्रक्चर पूरा आपका, है. जब, आपका है, ठीक है? जब आपका अनसिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल डायग्राम नहीं बनेगा ये पोर्शन में स्ट्रेट लाइन दे दिया है गलत है क्यों जब ये हॉर्जों को y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एच इन टू वाई नॉन लीनियर होगा या नहीं तो इसलिए लीनियर कभी हो नहीं सकता है। इस पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट जीरो नहीं होगा ठीक है इस पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट जीरो नहीं होगा तो ये भी कैंसल तो बचा कौन सा

टू हिंज आ ठीक है सो टू हिंज है, क्वेश्चन तो सही है हिंज नहीं होगा हिंज नहीं होगा टू हिंज है, ठीक है so, सो सी क्या है मिड पॉइंट सी क्या है मिड पॉइंट है जब टू हिंज आर्च होता है ना तो उसका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का आईएलडी जो होता है वो लीनियर नहीं होता है पैराबोलिक पैराबोलिक नहीं होता दूसरा इक्वेशन आता है

ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी आया समझ में इस साइड का एल डी होगा डायग्राम बनाने में मिस्टेक किया है पहली बार अभी वर्कबुक प्रिंट हुआ है ना इस बार करेक्शन कराएंगे तो अगली बार वर्कबुक बहुत ही अच्छा बन जाएगा ठीक है अगला वर्कबुक का जब प्रिंट आएगा ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा नाउ नाइनटीन नाइनटीन नंबर क्वेश्चन अ थ्री हिंस

एसर्शन थ्री इंच पैराबोलिक आर्च विल नॉट हैव बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्री इंच पैराबोलिक आर्च होता है उस पर यूडीएल अप्लाई कर देते हैं तो उसमें कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं आता है द वर्टिकल इंटरसेप्ट बिटवीन द लीनियर आर्च एंड द सेंटर एक्चुअल गिव्स द बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द लीनियर आर्च विल बी अ पैराबोला इट विल पास थ्रू द हिंज एंड द क्राउन

और अगर आप एडीस पढ़ लिए हैं तो एडीस थे क्रॉस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है जो में हम लिखा, हैं, वही लिखा हुआ है वही हुआ सो दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ठीक है थ्योरिटिकल आर्च और एक्चुअल आर्च के बीच का वैल्यू को इंटरसेप्ट करते हैं तो एडिस थेरम से ही रिलेटेड है सो दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है सो आज क्लास यहीं पर बंद करें ठीक है सो ट्वेंटी क्वेश्चन तक हो गया है बाकी फिर हम लोग फर्दर कल आगे चलते हैं कल हम लोग मिलते हैं इसी टाइम पे ओके गुड नाइट गुड नाइट